जाना तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा। वैसे बेटा तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम जिस लड़के को भी पसंद करोगी ना वो उसका इलाज करके उसे ठीक कर देंगे। और मैंने तुम्हारा जायचा निकाला था, तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से ही होगी। वैसे मुनीब कैसा लगता है तुम्हें? हाँ उसकी कंपनी एंजॉय करती हूँ मैं। हाँ तो फिर ठीक है उससे कर लो। हाँ मामा लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। मामा जो मुझे हासिल करने के लिए झूठ बोल सकता है फिर तो वो झूठ बोलता रहेगा इसी डर से कि कहीं मुझे खो ना दे। हाँ वैसे शादी में एतबार तो बहुत जरूरी होता है। वैसे बख्शी भी अच्छा है। बख्शी भी अच्छा है और वो तुमसे मोहब्बत भी करता है। हाँ लेकिन मामा इन दोनों ने मोहब्बत को मुकाबला बना दिया है। मुझे लगता है जैसे मैं कोई ट्रॉफी हूँ जो दोनों जीतना चाहते हैं। फिर बेटा फैसला तो तुम्हें करना होगा ना। हाँ मामा सिर्फ फैसला नहीं करना सही फैसला करना है। मामा एक बात बताएं मोहब्बत हासिल करने के लिए झूठ बोलने वाला क्या सच्ची मोहब्बत करता है? बेटा ये दिलों के फैसले होते हैं और सब दिलों के फैसले जो होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जो फैसला करोगी ना वो बिल्कुल दुरुस्त होगा।